यूं तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कहती आई है कि वो इस बार किसी भी सीट से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन गुरुवार को कार्यकर्ताओं से उनके एक सवाल ने कई और सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद यह सवाल उठने लगे कि क्या इस बार मुकाबला मोदी बनाम प्रियंका गांधी होने वाला है। दरअसल गुरुवार को प्रियंका गांधी रायबरेली में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रही थी। इसी दौरान एक कार्यकर्ता ने उनसे सवाल पूछा कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगी। इसके जवाब में प्रियंका गांधी ने वापस कार्यकर्ताओं से पूछा कि क्या वाराणसी से लड़ लूं। प्रियंका गांधी के इतने कहने के साथ ही वहां मौजूद कार्यकर्ताओं में कानाफूसी शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव के ऐन मौके पर प्रियंका गांधी के इस बयान के कई सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाकई वाराणसी से चुनाव लड़ सकती है। अगर ऐसा वाकई में होता है तो यह मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप नेता अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में उतरे थे, जिसमें उन्हें मोदी से करीब 1.25 लाख वोटों से हार मिली थी। लेकिन मोदी की टक्कर अगर प्रियंका गांधी से होती है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। लेकिन अभी तक पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि प्रियंका गांधी चुनाव भी लड़ेंगी या नहीं। खबर अपडेट की रिपोर्ट।